जैसे आप लोगों को पता है कि अभी आधार कार्ड लिंक करना सभी जगह मैंडेटरी कर दिया गया, चाहे वो वोटर कार्ड हो, राशन कार्ड हो, बैंक अकाउंट हो या फिर पैन कार्ड हो। अभी जब तक आप आधार कार्ड को अपने डॉक्यूमेंट से लिंक नहीं करेंगे वो वैलिड नहीं होगा, वो सिक्योरिटी नहीं होगा, सिक्योरिटी प्रूफ नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आप कैसे जानेंगे कि आपका पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक है या नहीं। अगर लिंक है तो वहाँ पर क्या चीज़ दिखाई देगा, अगर लिंक नहीं है तो आप उसे लिंक किस प्रकार करेंगे, वो मैं आपको वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन करना है। जब ब्राउजर ओपन हो जाएगा तो ये जो सर्च बार है यहाँ पे आपको वेबसाइट टाइप करना है। अगर वेबसाइट नहीं पड़ता है तो सिंपली आप यहाँ पे इनकम टैक्स टाइप करके आप इसे सर्च कर सकते हैं। मैं आपको वेबसाइट भी बता दूंगा कौन सा वेबसाइट है। तो आप इनकम टैक्स टाइप करके सर्च करें। सर्च करने के बाद यहाँ पे जो पहला जो लिंक आता है, यहाँ पे जब इनकम टैक्स टाइप करके जो पहला जो लिंक आता है incometax.gov.in, ये वेबसाइट है। आप वेबसाइट भी टाइप करके ओपन कर सकते हैं या फिर इनकम टैक्स टाइप करके सर्च कर सकते हैं। उसके जब वेबसाइट ओपन करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस होगा। जल्दी सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते वीडियो देखते, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नीचे स्लाइड करना है। और नीचे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे देखे कुछ यहाँ पे लिंक है, क्विक लिंक यहाँ पे देखे। और यहाँ पे क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ, वेरीफाई, ई रिटर्न, ई और लिंक आधार, ई पे टैक्स, इनकम टैक्स रिटर्न, वेरीफाई योर पेन, नो योर टेन डिटेल, टैक्स कैलेंडर। और भी यहाँ पर नीचे देखेंगे बहुत सा ऑप्शन है। यहाँ पे देखें लिंक आधार स्टेटस, तो यहाँ पे नीचे स्लाइड करते जाए यहाँ देखें इंस्टेंट ई पैन कार्ड, तो यहाँ पे बहुत सा यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। तब क्या करना है, इनमें से आपको पहले ये देखना है कि आपके पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक है कि नहीं। तो लिंक स्टेटस के यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ देखें लिखा हुआ लिंक आधार स्टेटस। अब यहाँ पर आप स्टेटस देख सकते हैं कि आपके आधार, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड में लिंक है या नहीं। तो इसके लिए पैन कार्ड आधार कार्ड का नंबर डाल के यहाँ पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे पैन कार्ड और आधार नंबर को डाल लेते हैं। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डाल लिया हूँ। और डालने के बाद नीचे देखें व्यू लिंक आधार स्टेटस है, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक है तो इस तरह से लिखा हुआ है कि योर पैन कार्ड इज ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार। तो इस तरह से लिखा हुआ समझिए कि आपके पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक है। अगर लिंक नहीं है तो किस प्रकार लिंक करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो प्रोसेस सेम है, इनकम टैक्स में स्टार्टिंग से बताता हूँ। इनकम टैक्स टाइप करिए, इसे सर्च करिए, वेबसाइट जो आएगा यहाँ पे पहला उस वेबसाइट को ओपन करिए। वेबसाइट ओपन हो जाएगा तो यहीं पे देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ऊपर में देखिए लिंक आधार, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा लोडिंग लेगा, थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा नेटवर्क प्रॉब्लम है मेरा, इसलिए यहाँ पे हल्का लोडिंग लिया। और यहाँ पे देखें तीन स्टेप है, तीन स्टेप में आपको क्या क्या करना है। यहाँ पे देखें पहला हमें पैन कार्ड डालना है, आधार कार्ड का नंबर डालना है। तो चलिए यहाँ पे पैन कार्ड और आधार कार्ड का नंबर डाल लेते हैं, उसके बाद यहाँ से वैलिडेट करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे आधार कार्ड और पैन कार्ड का नंबर डाल के वैलिडेट करेंगे, और अगर आपका पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक नहीं है तो वैलिडेट होने के बाद जब वैलिडेट क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसमें एक ओटीपी आएगा। जैसे मेरा यहाँ देखें मेरा लिंक है इसलिए इस तरह दिखा रहा है। जब आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसमें ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल के सबमिट करेंगे तो आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों आपस में लिंक हो जाएगा।